हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज धनतेरस का दिन है और बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आप सबको और आपके परिवारजनों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो और परमात्मा करे ये धनतेरस जो है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए और आप अपने परिवार के साथ सुखी रहें। दोस्तों, वैसे तो हम टॉरस असेंडेंट पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज धनतेरस का दिन है तो मैं सोच रहा हूं कि आज की वीडियो हम हमारी कुंडली में जो धन योग होते हैं, धन योग तो बहुत होते हैं, कंजंक्शन से भी बनते हैं और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट से भी बनते हैं इन डिफरेंट हाउसेस, लेकिन आज हम आपको तीन तरह के धन योग ऐसे बताएंगे जो थोड़े से हटके होंगे। और अगर आपके भी चार्ट में या आपके किसी प्रियजन के चार्ट में ये योग बना हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि इस इंसान के पास काफी धन का संचय होगा और आने वाले टाइम में ये एक वेल्दी इंसान बनेगा और रिचनेस एंजॉय करेगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुंडली को देखने के लिए अगर आपने पर्टिकुलरली ये देखना है कि ये आदमी लाइफ में रिच बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपने उसके भाग्य पे नजर डालनी है। भाग्य का हाउस नाइन्थ हाउस होता है। भाग्य में जो भी प्लैनेट बैठा होता है, वो प्लैनेट अगर किसी भी नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान धनवान बनेगा। ये जिंदगी में पैसा खूब कमाएगा और पैसा कमाने के पीछे इसकी डेस्टिनी इसे सपोर्ट करेगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, वो एक्सेप्शन ये हैं कि ये वाला नक्षत्र, ये वाला जो प्लैनेट है जो नाइन्थ हाउस में आपके बैठा हुआ है, ये मूला या अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। तो ये दो नक्षत्र हम अलग कर देते हैं। बाकी किसी भी नक्षत्र में ये इंसान है, ये प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये इंसान को डेफिनेटली ब्लेस करेगा वेल्थ से। अगर ये जिस नक्षत्र में प्लैनेट बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, यानी कि इंसान पे एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी और उस पे कहीं ना कहीं पिता का भी हाथ रहेगा, गुरुओं का भी हाथ रहेगा और डिवाइन ब्लेसिंग भी रहेगी कि वो अपनी जिंदगी में पैसा कमाएगा और इकट्ठा करेगा और वो अपनी फैमिली की वेल्थ में बढ़ोतरी करेगा। अब दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर सपोज नाइन्थ नंबर में, नौ नंबर साइन में सपोज 11 नंबर राशि पड़ी हुई है नाइन्थ हाउस में, 11 नंबर राशि का लॉर्ड जो है वो शनि है, शनि की प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए रीजनेबली, और 11 नंबर साइन में तीन नक्षत्र मिलते हैं, एक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मिलता है, एक धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है और एक शतभिषा नक्षत्र मिलता है। पहले धनिष्ठा है, फिर शतभिषा है, फिर पूर्व भाद्रपद है। तो धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड मंगल है। अब ये प्लैनेट अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है तो मंगल की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होनी चाहिए। अगर ये प्लैनेट जो नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, ये अगर शतभिषा नक्षत्र में है तो राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होनी चाहिए, और अगर पूर्व भाद्रपद में है तो गुरुदेव की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है वो डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए।
वो एनिमी साइन में नहीं होना चाहिए, वो या तो अपनी राशि में हो या फिर अपने मित्र की राशि में हो और या फिर एग्जॉल्टेड साइन में हो। अगर वो अपनी राशि में है, अगर वो मित्र की राशि में है तो ये धन योग बनाता है, अगर वो अपनी राशि में है तो ये स्ट्रांग धन योग बनाता है, यानी कि यहां पर और ज्यादा इंसान के पास वेल्थ की ब्लेसिंग रहेगी। अगर वो एग्जॉल्टेड है सेकंड हाउस में, नक्षत्र का लॉर्ड एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है, तो ये बहुत ही पावरफुल धन योग बनाता है। और वो अगर एग्जॉल्टेशन के नजदीक बैठा हुआ है या फुल्ली एग्जॉल्टेड है, तो आप ये समझिए कि ये बहुत ही उम्दा, यानी कि बहुत ही ऑस्पिशियस और ऊंचे दर्जे की का धन योग है। तो अब आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। इसमें हालांकि दूसरी चीजें भी देखनी होती हैं, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नजर मारनी है कि असेंडेंट की पोजीशन कैसी है, यानी कि अगर हम किसी भी असेंडेंट का चार्ट देख रहे हैं तो वो ठीक बैठा हुआ है। डिस्पोजिटर की पोजीशन कैसी है, डिस्पोजिटर होता है राशि का लॉर्ड, यानी कि हम 11 नंबर राशि की बात कर रहे हैं तो शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है। और तीसरा है नक्षत्र का लॉर्ड, सबसे पावरफुल नक्षत्र का लॉर्ड माना जाता है। अगर असेंडेंट भी वेल प्लेस्ड है, डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड है और असेंडेंट लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का वेल्थ योग बना देगा और आदमी करोड़ों रुपए कमाएगा और सेव करेगा बाय द पावर ऑफ डेस्टिनी, बाय द डिवाइन ब्लेसिंग। जरूरी नहीं कि वो बहुत मेहनत करे, वो जो भी काम करेगा डेस्टिनी उसके साथ चलेगी। आपने सुना ही होगा कुछ लोगों का कहते हैं कि यार ये मिट्टी में भी हाथ डाल ले तो सोना बन जाता है, तो ये उस तरह के लोग होते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो धन योग है वो 11th हाउस से बनता है। 11th हाउस लाभ भाव है, हमारी इनकम का घर है। हम अगर बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, जो हमारी डेली इनकम जनरेट होती है वो 11th हाउस से देखी जाती है। और 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट जो बैठा हुआ है, वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ये भी बहुत ही अव्वल दर्जे का धन योग बनता है। ये आदमी को बहुत ही वेल्दी बना देता है। बस चीजें वही देखनी है कि असेंडेंट ठीक होना चाहिए, डिस्पोजिटर ठीक होना चाहिए, और जिस नक्षत्र में जो भी प्लैनेट 11th हाउस में प्लेस्ड है वो नीच का नहीं होना चाहिए, और उस नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस में वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर वो अपने फ्रेंडली साइन में है तो ये एक वेल्थ योग बन ही गया, अगर वो अपने ही किसी साइन में है तो ये उम्दा यानी कि ऊंचे दर्जे का एक वेल्थ योग बन गया, और अगर वो एग्जॉल्टेड साइन में है तो ये आप ये समझो ये बहुत ही एक्सीलेंट वेल्थ योग बन गया। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाएगा और इकट्ठा करेगा और उसको भोगेगा। अब दोस्तों हम आते हैं थर्ड जो हमारी प्लेसमेंट है उस पर। थर्ड वेल्थ योग हम देखते हैं 5th हाउस से। 5th हाउस जो है वो अनसर्टेन गेन्स का घर, हमारी पास्ट लाइफ के कर्म का घर है, पास्ट लाइफ कर्म के गुड बेनिफिट्स का घर है, हमारी बुद्धि का घर है, एजुकेशन का घर है, अनसर्टेन गेन्स का घर है, लॉटरी का घर है, सट्टे का घर है और स्पेकुलेटिव मार्केट का घर है और सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर है। 5th हाउस में अगर कोई प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो इट क्रिएट्स ए वेरी वेरी यू कैन से एक्सीलेंट धन योग। अब देखिए ये धन कहां से मिलेगा, ये अनसर्टेन गेन्स से मिलेगा, ये लॉटरी से मिल सकता है, सट्टे से मिल सकता है, अपनी बुद्धि से मिल सकता है, एजुकेशन से मिल सकता है, यानी कि बुद्धि की पावर या एजुकेशन की पावर से मिल सकता है, सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन से मिल सकता है।
आपने देखा ही है, बहुत लोग पैसा बहुत कमाते हैं अपने एक्सप्रेशन से, यानी कि ये सिनेमा का घर है, मीडिया का घर है, तो उन चीजों से मिल सकता है, एक्टिंग से मिल सकता है, आर्ट से मिल सकता है, क्रिएटिविटी से मिल सकता है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो थर्ड और फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है उनको, और ये कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक प्रस्यूट से या स्टॉक मार्केट से या हमारी एजुकेशन से या क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, इस धन योग के बनने के पीछे कुछ अलग रीजंस होते हैं, यही होते हैं जो हमने आपको बताए। आदमी से कुछ उम्मीद ही नहीं की जाती कि ये लाइफ में करेगा क्या, और वो पता लगता है बहुत ही उसने वेल्थ कमा ली, बहुत ही पैसा कमा लिया, पता नहीं यार, पता ही नहीं लगा, कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए कमा लिए, तो ये वाला वो घर है, ये आदमी को सडन गेंस देता है। तो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस हो जाए, तो ये एक धन योग बनाता है। अगर वो अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड, तो इट क्रिएट्स अ डेफिनेट धन योग। अगर वो अपने अपनी ही राशि में बैठा है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई, और अगर वो एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है तो ये अनडाउटेडली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो दोस्तों, ये तीन जो हमारी प्लेसमेंट्स हैं इनको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि वहां पर कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए, सिंपल, कोई ना कोई इन घरों में प्लैनेट होना चाहिए। अगर ये प्लैनेट किसी कंजंक्शन में है तो कंजंक्शन का जो लॉर्ड है उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि वो कहां चला गया, क्या वो किसी गलत घर में तो नहीं बैठ गया। अगर उस कंजंक्शन का लॉर्ड भी ठीक बैठा हुआ है किसी भी हाउस में है, तो आपने फिर भी ये एज्यूम करके चलना है कि एक धन योग बनाएगा। जब एक प्लैनेट का जो नक्षत्र का लॉर्ड अगर धन योग में बैठ गया, दूसरा अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ गया, तब भी कोई डरने की बात नहीं, इट विल क्रिएट ए धन योग। अगर एक ही प्लैनेट है तो बहुत अच्छी बात है, वहां क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने चार्ट में या किसी भी चार्ट की स्टडी में जब भी आपकी नजर ग्रहों पर पड़ती है, तो आप ये देखिए कि इस इंसान के फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में या इलेवंथ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर वो बैठा हुआ है तो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, दैट विल इंडिकेट वेदर दिस विल क्रिएट ए धन योग। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डिटेल्ड साइंस है, डिटेल्ड डिस्कशन का टॉपिक है। अगर हम इस डिस्कशन को पूरा दिन 12 घंटे भी करते रहें तो ये कम रहेगा। अब हम सपोज इसकी सेकंड उस पर आ जाते हैं कि अगर वो वहां नहीं बैठा होगा तो छठे घर में आ जाए, 12वें में आ जाए, और किस तरीके से, यानी कि ये इंसान को इम्पैक्ट करेगा, तो ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। लेकिन आज हम इसको यहीं विराम देंगे, आज सिर्फ हमने धन योग की बात की है। फिर हम किसी और दिन आपको ये बताएंगे कि अगर वो नक्षत्र का लॉर्ड दूसरे हाउस में बैठ जाए तो वो आदमी को किस तरीके के फल देता है, वो आदमी को किस तरीके से, यानी कि उस कमाए हुए पैसे को लगाता है या एक्सपेंड करता है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड दीज थ्री धन योगा, और इन धन योगा में आप लगन का स्वामी जरूर देखिए और एक डिस्पोजिटर को जरूर देखिए, और उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि वेदर इट इज क्रिएटिंग ए वेल्थ योग इन योर चार्ट और नॉट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड दी real, I mean, placement of this Dhan Yoga. And now you can easily understand, whenever you see, you can easily understand that if this is this, so ye hume iska fayda yahan milega hi milega wealth mein. So friends, if you are liking our videos, please subscribe our channel, or else always bless you, bless we bless you in all the activities
in all your endeavors and efforts, and today being an auspicious day, please accept our special blessings on this occasion. Have a nice time and have a healthy and wealthy life. Thank you very much.